how many years? Around. Franchise. Hello. We have 2 days left. I need more time. ये एक ऐसी मूवी है जिसमें एक ऐसी सोसाइटी को दिखाया गया है जहां सिंगल लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं होती है। अगर किसी वजह से आपके साथी की मौत हो जाती है या वो आपको छोड़कर चला जाता है और आपको 45 दिनों में कोई दूसरा पार्टनर ढूंढना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपको आपकी मर्जी के जानवर में बदल दिया जाएगा। मूवी स्टार्ट होते ही हमें मूवी का मेन कैरेक्टर डेविड दिखाया जाता है। वो अपनी जगह पर चुपचाप बैठा होता है। दरअसल उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई होती है, इसलिए वो बहुत परेशान होता है क्योंकि सोसाइटी के रूल्स के मुताबिक कोई भी सिंगल नहीं रह सकता और डेविड को भी 45 डेज के अंदर अपना नया पार्टनर ढूंढना होगा। अब डेविड एक होटल में जाता है जहां उसके जैसे बहुत सारे सिंगल लोग बैठे थे। डेविड को यहां कहा जाता है कि अगर तुमने 45 डेज में अपना पार्टनर नहीं ढूंढा तो तुम्हें तुम्हारी पसंद के जानवर में बदल दिया जाएगा। और पार्टनर चुनने का एक नियम भी है कि आपको अपने पार्टनर में कुछ सिमिलैरिटीज भी ढूंढनी पड़ेगी। अब हमें डेविड को दिखाया जाता है जहां वो एक कुत्ते के साथ खेल रहा होता है। असल में वो कुत्ता और कोई नहीं बल्कि डेविड का भाई होता है जो कि कुछ समय पहले अपने पार्टनर को उसी होटल में ढूंढने आया था पर नाकामयाब रहा, इसलिए उसे कुत्ता बना दिया गया। उसके बाद डेविड से एक फॉर्म पर साइन करवाया जाता है जिस पर होटल के कुछ नियम होते हैं और उस नियम के अनुसार बताया जाता है कि उसे उनके हिसाब से कपड़े पहनने होंगे। वो सिर्फ सिंगल लोगों का गेम खेल सकता है और डबल लोगों का नहीं, और अपने ऑपोजिट जेंडर को भी डेट कर सकता है। यहाँ तक कि आप उस होटल की मेट्स के साथ इंटीमेट भी हो सकते हैं। अगर उस होटल की मेट सिर्फ आपके साथ इंटीमेट होकर चली जाएगी। अब सारे नियमों को बताने के बाद डेविड को उसके कमरे की चाबी दी जाती है और वो अपने डॉग यानी अपने भाई को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। अब सीन चेंज होता है जहां होटल की मैनेजर लीविया डेविड से मिलने उसके कमरे में आती है और कहती है कि अगर 45 दिनों में तुम अपना पार्टनर नहीं ढूंढ सके तो तुम अपने आप को किस जानवर में बदलना पसंद करोगे। तो डेविड कहता है कि मैं लॉबस्टर बनना पसंद करूंगा क्योंकि उसकी लाइफ 100 साल से भी ज्यादा होती है। अब अगले दिन डेविड को आदमी उसे मिलता है जिसमें से एक का नाम जॉन होता है और दूसरे का नाम बेन होता है। ये दोनों भी उसी की तरह सिंगल ही होते हैं और बात करते करते उन लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है। अब हमें पता चलता है कि उस होटल की मैनेजमेंट के जरिए एक हंटिंग का प्रोग्राम होता है जहां जानवरों को नहीं बल्कि इंसानों को मारा जाता है जो पार्टनर ना मिलने की वजह से होटल से भाग जाते हैं। जो उस होटल से भागे हुए लोग होते हैं वो एक ग्रुप बनाकर रहते हैं और उस ग्रुप को लोनर ग्रुप कहते हैं, और होटल के लोगों को इनका ही शिकार करना होता है। और इन लोगों के शिकार करने से होटल के बाकी लोगों को ये फायदा होता है कि जो जितने भी लोग मारेगा उन्हें होटल में उतने ज्यादा दिन रहने का मौका मिलेगा, जिससे कि उन लोगों को अपना पार्टनर ढूंढने के लिए कुछ और एक्स्ट्रा दिन मिल जाएंगे। अब डेविड भी शिकार पे जाता है जिससे बस में स्टिला नाम की एक लड़की मिलती है जिसके 45 डेज होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। वो डेविड से कहती है कि तुम मेरे पार्टनर बन जाओ, पर डेविड उसे मना कर देता है। तब स्टिला कहती है कि अगर मुझे बचे हुए दिन में कोई पार्टनर नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूंगी। अब सीन चेंज होता है जहां पर तीनों दोस्त डेविड, बेन और जॉन बैठे होते हैं और तीनों बताते हैं कि उनमें से किसी को भी अभी तक पार्टनर नहीं मिला। उनमें से जॉन काफी परेशान होता है क्योंकि उसे किसी भी जानवर में तब्दील नहीं होना। अब अगले दिन जॉन को स्विमिंग पूल में एक लड़की दिखाई देती है जिसकी नाक से हमेशा खून बहता रहता है। वो सोचता है कि क्यों ना उसे शादी के लिए बोल दे, पर वो ये भी सोचता है कि इसके लिए कुछ सिमिलैरिटीज होना भी जरूरी है, इसीलिए वो अपनी नाक पे चोट पहुंचाता है जिससे उसकी नाक से खून निकलता है और वो लड़की जॉन की नाक से खून निकलता देख उसे शादी के लिए मान जाती है। अब अगले दिन उनकी शादी की अनाउंसमेंट हो जाती है, पर उसके साथ ये प्रॉब्लम भी थी कि वो अपने पार्टनर को ये ना पता चलने दे कि उसकी नाक से खून नहीं निकलता है और वो नाटक कर रहा है। इसीलिए जॉन उस लड़की के सामने कभी अपनी नाक से खून निकाल कर आता तो कभी अपनी शर्ट पर केचप गिरा कर आता ताकि उसे पता ना चले। अब डेविड को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की को देखकर सोचता है कि वो उसे प्रपोज कर दे। दरअसल उस लड़की का नाम एंजेलिका होता है। वो लड़की बहुत ही निर्दय और इमोशनलेस होती है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब अगर डेविड उससे कहना चाहे तो उसे भी इमोशनलेस बनना पड़ेगा, इसीलिए वो ये सोच लेता है कि मैं भी उसके सामने इमोशनलेस बन जाऊंगा। लेकिन तभी स्टेला छत से कूद कर सुसाइड कर लेती है जैसा उसने डेविड से कहा था। तब उसी बात पर डेविड एंजेलिका के पास जाकर कहता है कि अच्छा हुआ मर गई, बहुत बोलती थी। तब एंजेलिका सोचती है कि ये भी इमोशनलेस है और फिर एंजेलिका शादी के लिए मान जाती है और वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगती है। लेकिन एक दिन एंजेलिका और डेविड जब पूल में नहा रहे थे तब एंजेलिका मरने का नाटक करती है लेकिन डेविड कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, जिससे एंजेलिका काफी खुश हो जाती है और कुछ दिनों के बाद इन दोनों की शादी करवा दी जाती है। पर तब भी एंजेलिका को शक होता है कि डेविड इमोशनलेस नहीं है और नाटककार है। इसी का टेस्ट लेने के लिए एंजेलिका डेविड के कुत्ते यानी उसके भाई को मार देती है, जिसे देखकर डेविड बहुत रोने लगता है और एंजेलिका को पता चल जाता है कि डेविड ने उसे झूठ बोला है और वो उसकी शिकायत करने के लिए होटल की मैनेजर के पास जाने लगती है। लेकिन तभी डेविड और उस होटल की मेड मिलकर एंजेलिका को बेहोश कर देते हैं और उसे लेकर उस रूम में ले जाते हैं जहां इंसानों को जानवर में तब्दील किया जाता है और वो एंजेलिका को जानवर में बदल देते हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि उस मेड ने डेविड की हेल्प क्यों की।
तो वो आगे पता चल जाएगा। अब डेविड भागकर जंगल में जाता है और लोना ग्रुप से मिलता है जिसके लीडर का नाम होता है लिया। इस ग्रुप में वो लोग शामिल होते हैं जो उस होटल से भाग कर आते हैं और यहाँ सब सिंगल है। मगर इस ग्रुप में कुछ नियम होते हैं कि उस ग्रुप का कोई भी आदमी आपस में प्यार नहीं कर सकता वरना उसे सजा दी जाएगी। वो डेविड को समझाती है कि हमले के समय अगर किसी की जान बर्बाद आती है तो कोई उसकी जान नहीं बचाएगा, उसे अपनी जान खुद ही बचानी होगी। लिया बहुत ही कट्टर टाइप की इंसान होती है, उसका मानना होता है कि प्यार मोहब्बत ये सब फालतू चीज है और वो उसके बिल्कुल खिलाफ है। अब सीन चेंज होता है जहां में दिखाया जाता है कि होटल की मेड जिसने डेविड की हेल्प की थी वो भी उस ग्रुप से मिली हुई है और चुपचाप उनकी हेल्प करती है। दरअसल उस मेड का अपने पति से रिलेशन बहुत ही खराब हो चुका है और वो उसे छोड़ना चाहती है, मगर ऐसा करने पे वो सिंगल हो जाएगी और उसे 45 डेज के अंदर अपना पार्टनर ढूंढना होगा और उसे भी होटल में ही रहना होगा जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती। अब हमें डेविड दिखाया जाता है जो कि एक लड़की को देखता है जो उस ग्रुप की ही होती है, उसका नाम रैचल होता है और रैचल को दूर की चीजें अच्छे से दिखाई नहीं देती और हमें पता चलता है कि डेविड को भी दूर की चीजें अच्छे से दिखाई नहीं देती, इसीलिए उनकी ये सिमिलैरिटी होती है। वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं और दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब सीन चेंज होता है जहां हम देखते हैं कि वीक में एक बार सब लोग पति पत्नी बनकर शहर में जरूरत के कुछ सामान लेने जाते हैं। एक दिन जब डेविड सामान लेने के लिए जाता है तो एक पुलिस ऑफिसर को उस पर शक होता है और वो डेविड को उसका मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने को कहता है, लेकिन तभी रैचल वहां आ जाती है और वो पुलिस ऑफिसर से कहती है कि डेविड उसका पति है और पुलिस ऑफिसर उसे जाने देता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बाद दिन बीत जाते हैं और लिया एक दिन रात में होटल पर अटैक करने का प्लान बनाती है और सारे लोग मिलकर रात को होटल पर अटैक कर देते हैं और सबसे पहले होटल की मैनेजर ओलिविया को टारगेट करते हैं और ओलिविया के हस्बैंड को गन देकर कहते हैं कि वो खुद से ओलिविया को शूट करे। ओलिविया का हस्बैंड अपनी जान बचाने के लिए ओलिविया को शूट कर देता है लेकिन गन में गोली ही नहीं होती, जिसे देखकर ओलिविया अपने पति पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करते। असल में लोना ग्रुप यहाँ पर किसी को मारने नहीं आया था बल्कि उन्हें ये रियलाइज करवाने आया था कि उनके साथी उनसे कितना झूठा प्यार करते हैं और प्यार कुछ नहीं होता। ओलिविया को सबक सिखाने के बाद डेविड जॉन के कमरे में जाता है और उसकी पत्नी को बता देता है कि जॉन ने तुमसे झूठ बोलकर शादी की थी, उसके नाक से कोई खून वो नहीं निकलता, वो नाटक करता है। इस बीच हमें पता चलता है कि इन सब में उस ग्रुप की हेल्प होटल की मेड ने की थी जो कि अब उस ग्रुप में पूरी तरीके से शामिल हो चुकी है। होटल में थोड़ी देर बाद रहने के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब धीरे धीरे डेविड और रैचल के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ऐसा करके वो उस ग्रुप का नियम तोड़ देते हैं। रैचल सब बातों को अपनी डायरी में लिखा करती थी, यहाँ तक कि उन दोनों ने होटल से भागने का भी प्लान बना लिया था। इसी बीच रैचल की डायरी लिया को मिल जाती है और उसे सब कुछ पता चल जाता है, मगर वो इन दोनों को इस बात का पता नहीं लगने देती। एक दिन लिया रैचल की आंख ठीक करवाने के बहाने हॉस्पिटल ले जाती है, मगर वहां उसकी दोनों आंखों की रोशनी छीन ली जाती है, जैसे वो पूरी तरह से अंधी हो जाती है, वो बिल्कुल भी देख नहीं पाती है। पर जब ये बात रैचल को रियलाइज होती है कि वो लिया को मारने जाती है, लेकिन उसे देख ना पाने की वजह से वो उस होटल की मेड को ही मार देती है। जब ये बात डेविड को पता चलती है तो वो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि अब उन दोनों में कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं थी जिससे वो शादी कर सके। पर सिमिलैरिटीज ना होने की वजह से भी डेविड अपना भागने वाला प्लान कैंसिल नहीं करता है। मौका देखते ही वो लिया को मारकर एक गड्ढे में दफना देता है और वहां जंगली कुत्ते लिया को खा लेते हैं। इसके बाद डेविड और रैचल शहर में आ जाते हैं और वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां डेविड चाकू मंगवाता है और खुद की आंखों को निकालने का फैसला करता है ताकि वो रैचल से शादी कर सके। इसके बाद वो बाथरूम में जाता है और को चाकू से अंधा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी घबराता भी है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी के आखिर में हमें ये नहीं दिखाया जाता कि आखिर डेविड अपनी आंखों को निकालने में सफल होता है या नहीं, पर लास्ट में हमें एक सीन दिखाया जाता है कि डेविड अपनी आंखों को निकालने में नाकामयाब रहा, इसीलिए उसके इसके पसंद के जानवर यानी लॉबस्टर में बदल दिया जाता है और इसीलिए हमें मूवी के एंड में समुद्र की झलक दिखाई गई।